पांच नदियों से घिरे पूर्णिया जिले में अब बाढ़ के साथ साथ कटाव का भी खतरा मंडरा रहा है। बायसी अनुमंडल में कुछ घर कटाव की वजह से नदी में समा चुके हैं तो दर्जनों घर पर कटाव का खतरा अभी भी बरकरार है। वहीं अमूर के बरवट्टा पंचायत में परमान नदी से भी कई घर कटने की स्थिति में है। इसके अलावा महानंदा और परमान नदी का जल स्तर भी बढ़ा हुआ है। जलस्तर के उतार चढ़ाव की वजह से लगातार कटाव हो रहा है, जिससे लोग न सिर्फ डरे हुए हैं बल्कि रत जगह करने को भी मजबूर हैं। कई जगहों पर तो लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने को मजबूर हैं। लोगों का कहना है कि तिनका जोड़कर उन लोगों ने अपना आशियाना बनाया था, लेकिन अब प्रकृति की वजह से घर छोड़ने को विवश है। नदी का पानी बढ़ता है, बहुत ज्यादा कटाव बढ़ जाता है। अब तक यहाँ पर 15 से 20 परिवार कट के नदी में विलीन हो गया। और ये जो आपको दो तीन बिल्डिंग दिख रहा है, ये बच सकता है अगर विभाग के लोग टाइम पे काम कर दे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आम लोगों के ही घरों पर कटाव का खतरा मंडरा रहा है, कहीं कहीं स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र भी इसकी जद में आ सकते हैं। ऐसे में लोग मामले में जिला प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस मामले में पूर्णिया जिलाधिकारी कुंदन कुमार काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। उन्होंने मामले में एक्शन लेते हुए त्वरित कार्रवाई का आदेश दिया है। उन्होंने अधिकारियों को मामले में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतने को कहा है। WRD की टीम है, आपदा की भी टीम है, वो लगातार इस पे हम लोग ध्यान बनाए हुए हैं। जहाँ पे भी पूरे वाटर लेवल भी चेक किए जा रहे हैं और जहाँ कटाव की थोड़ी भी संभावना दिख रही है उसमें तुरंत रिस्पॉन्ड किया जा रहा है। राज्य सरकार की ओर से लगातार ये निर्देश है कि कहीं भी अगर कोई समस्या होती है तो उसे तत्काल एड्रेस करना है और इसके लिए पूरी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। पूर्णिया में कटाव रोकने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही आपदा प्रबंधन टीम को भी निर्देश दिया गया है कि मामले की लगातार मॉनिटरिंग करती रहे। दूरदर्शन समाचार के लिए पूर्णिया से जयप्रकाश मिश्रा की रिपोर्ट।